नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का खास शो सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ, जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के कोने कोने से रहस्यमय मंदिरों की कहानियाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसे ही एक मंदिर की रहस्यमय कहानी। अपने जीवन की आजमाइश से गुजर रहे ईश्वर के भक्त अक्सर अपने इष्ट को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। न्याय के देवता शनिदेव भी ऐसे ही एक देव हैं जिनके भक्तों की दुनिया में कमी नहीं। यूं तो हर दिन ही देवताओं और ईश्वर की अर्चना की जाती है, मगर शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है और इसीलिए शनिवार के दिन शनि ग्रह को शांत करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे कर्म के आधार पर लोगों को फल देते हैं। कहा जाता है कि जब जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी खुशियां भर देते हैं। अगर वो किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव की पूजा के लिए शनि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगती हैं। कहते हैं कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को नौकरी, रोजगार और वाहन आदि का सुख मिलता है। वहीं जिस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उसका जीवन परेशानियों से घिर जाता है। वैसे तो शनिदेव के कई मंदिर हैं, लेकिन शनि शिंगणापुर का मंदिर कई रहस्यों और खासियतों से भरा है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं शनि शिंगणापुर मंदिर की रोचक दास्तान। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर शनिदेव को समर्पित है। इसे शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है। यहाँ शनिदेव की काले रंग की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। शनि की शिला के ऊपर कोई छत नहीं है। खुले आसमान के नीचे शनि की प्रतिमा पत्थर के रूप में स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ शनि की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही शनि दोष दूर हो जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार भयानक बाढ़ की वजह से पूरा शिंगणापुर गांव डूबने की कगार पर आ गया था। उस दौरान पानी में लोगों ने एक विचित्र पत्थर बहता देखा। जब पानी कम हुआ तो एक चरवाहे ने उसी पत्थर को पेड़ पर देखा। उसने उसे नीचे उतारकर तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। चरवाहा डर गया। रात में चरवाहे को शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस पत्थर के प्राण प्रतिष्ठा करने को कहा। शनिदेव ने कहा कि मंदिर में छत की कोई आवश्यकता नहीं, सारा आकाश मेरी छत है। यही कारण है कि छायापुत्र के मंदिर में छत नहीं है। शनि शिंगणापुर मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं। यहाँ वृक्ष हैं लेकिन छाया नहीं है। घर है लेकिन उसमें दरवाजे नहीं। कहते हैं कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती और अगर कोई चोरी करता है तो उस गांव की सीमा पार नहीं कर पाता। उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। यहाँ लोग बेझिझक सोना, जेवर आदि कीमती सामान घर में खुले में रखते हैं। आपको बता दें कि यह मूर्ति एक खुले आसमान के नीचे तो रखी गई है। इस मूर्ति की उत्तर दिशा में एक नीम का वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की एक भी डाली की छाया इस मूर्ति पर आज तक नहीं पड़ी। छाया पड़ने से पहले ही वह डाली खुद ब खुद टूट कर नीचे गिर जाती है। जिस छड़ी से इस मूर्ति को स्पर्श किया गया था उसके कारण मूर्ति में घाव रूपी छेद हो गया था, जो कि आज तक बना हुआ है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनि के प्रकोप जैसे शनि की धैया या साढ़े साथी से पीड़ित है उन्हें शनि जयंती पर शनि शिंगणापुर मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करने चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए यदि कोई दोष से पीड़ित व्यक्ति विधि पूर्वक शनिदेव की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी शनि शिंगणापुर मंदिर के रहस्यों से भरी। सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ के हमारे खास शो में हम आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे, जिसमें हम देश दुनिया के कोने कोने से रहस्यमय मंदिरों की कहानियाँ आपके लिए चुन चुन कर लेकर आते हैं। देश दुनिया की तमाम और ऐसी रिपोर्ट्स और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।